हेलो दोस्तों, अनीता सिंह लाइफ में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, ये मैदा के पापड़ हैं। देख सकते हो कितना छोटा पापड़ है। अभी ये बहुत ही बड़ा पापड़ बन जाएगा फ्रेंड। दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद ये पापड़ है बनता है फ्रेंड। आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं। भाप में बनाया हुआ ये पापड़ बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो फ्रेंड, आप मेरे इस तरीके से आप बनाएंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड, जरूर और करना। कितने सारे पापड़ है दिख रहे हैं आपको। आपको दिख रहा है बिल्कुल कटोरी जैसा बन गया है। यकीन मानिए फ्रेंड, मुझे भी बहुत मजा आ रही है इनको देखने में। और कितने क्रिस्पी है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये मैदा के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने 1 कप मैदा लिया है फ्रेंड, और इसको हमको साफ कर लेना है। आप चाहें तो ज्यादा भी बना सकते हैं या कम। मैं 1 कप मैदा के फ्रेंड बना रही हूँ, तो इसको हमको अच्छे से चाल लेना है। इसमें हम डालेंगे जीरा। ये देखिए फ्रेंड, 1 चम्मच में जीरा डालें। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं फ्रेंड, या कलौंजी जो आती है वो भी आप डाल सकते हैं फ्रेंड, पर मैं जीरा डालूंगी। जीरा से बहुत ही टेस्ट आता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान देना। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक जरूर डालना। तो इसमें हम नमक डाल दिए हैं अच्छे से। इनको हम अच्छे से नमक और जीरा अच्छे से मिला लेते हैं फ्रेंड। देखिए अच्छे से मिल गया है। फिर हमको क्या करना है, जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी कप से मैं फ्रेंड 1 कप पानी भी लाई हूँ, और इसको थोड़ा थोड़ा सा ही करके आपको डालना है, वरना आपके फिर गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान देना। तो इसमें हम क्या थोड़ा थोड़ा डालते हुए ही इसको अच्छे से मिलाएंगे, वरना आप एक बार में ही ये डाल दोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है फ्रेंड। तो इस बात का आप जरूर ध्यान देना। थोड़ा थोड़ा करते मिलाते जाइए, आपकी गुठलियाँ कभी भी नहीं पड़ेंगी। आप अगर एक बार में डाल दोगे तो फिर आपकी गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान देना। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए ही मिला लेते कप हैं मैदा अच्छे में में। तो 1 कप पानी फ्रेंड लग ही जाता है। उसके बाद अगर आपका पतला होगा, मैं अभी दिखाऊंगी किस टाइप का होना चाहिए। देख सकते हो मैंने 1 कप पूरा पानी डाल दिया है, फिर भी अभी थोड़ा सा गाढ़ा है फ्रेंड। अभी इसमें थोड़े से और ज़रूरत है अभी पानी की, तो मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। कम से कम फ्रेंड ये थोड़ा सा ही है, देखती हूँ अभी डाल के। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, इस बात का आप जरूर ध्यान देना। तो ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो, क्वांटिटी इस टाइप की होनी चाहिए फ्रेंड। तो ये देखिए इस टाइप का है, और इस तरह करने के बाद ऐसे करिए तो आपका कितना भी हिलाइए, देखिए ये देखिए हिला रहे हैं, फिर भी हमारा ये जो मैंने एक स्क्रॉल किया है और वो निकल नहीं रहा है। तो आपके सबसे खास बात यही होनी चाहिए, कितना भी कर लो ये मिक्स नहीं हो रहा। अगर पतला है आपका तो फिर मिक्स हो सकता है, इस बात का आप जरूर। तो ये देखिए सिचुएशन ऐसी है फ्रेंड, इसको आप कितना भी हिलाइए ये ऐसे ही रहने। तो ये हमारा परफेक्ट घोल रेडी हो गया। तो इसको हम ढक देते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, सेट हो तो जाएगा ये ये। देखिए फ्रेंड्स, 6 से 7 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसको देखते हैं कैसा रहा हमारा बैटर। अब इसके क्या क्या है, हमको 1 चमचा लेना है, और ये देखिए ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है फ्रेंड, परफेक्ट हमारा बैटर रेडी है। ये देखिए है ना। तो बस हमको अब क्या करना है, इसको रखते हैं हम साइड में। अब हमको क्या करना है, एक आप कढ़ाई लीजिए, भगोना लीजिए, जो भी आपके पास हो। उसमें मैंने इतना थोड़ा सा पानी डाला है, और आपके पास अगर स्टैंड है तो आप स्टैंड जरूर लगाना। मैं इसमें स्टैंड लगाऊंगी, और अच्छे से इसको उबालना है पानी को। तो हम अभी गैस पे रखते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड, मैंने गैस पे रख दिया है इसको उबलने के लिए। आराम से इसको उबालते हैं, ये स्टैंड रख दिया है, और
इसमें लिड लगा दें जिससे कि ये अच्छे से करना है। फ्रेंड इस टाइप की आपके पास प्लेट हो तो बहुत ही बेटर है, छोटी प्लेट हो तो भी सही, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिर हमको इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें तेल लगा लेना है, ग्रीस कर लेना है जिससे कि हमारे पापड़ आसानी तरीके से अच्छे से निकल जाएं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान देना। तो हम इस पे हम लगा लेते हैं तेल, इस टाइप का लगा दिया। और अब हम दूसरी पे, इसी टाइप की हमारे पास दूसरी प्लेट है तो हम इसमें भी लगा लेते हैं। फ्रेंड दो प्लेट तो होनी ही चाहिए, और ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर दो प्लेट फ्रेंड होनी चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान देना। और फ्रेंड इसमें बहुत ही कम तेल में बहुत ही हेल्दी ये पापड़ बन जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो हम इसमें भी अच्छे से लगा लिए हैं, पानी को उबाल आने देते हैं, फिर इसमें हम अपना बैटर डालेंगे। और ये हमारा बैटर रेडी है, फर्स्ट क्लास बैटर। चलाते हुए बैटर को पकड़ना है और उसके बाद हमको इसमें इस टाइप से डालना है। आप जितनी बड़ी आपकी प्लेट हो उस हिसाब से आप, मैंने इतना डाला और इसको बस ऐसे घुमाते हुए ही इस तरह से स्क्रॉल कर देना है। और बहुत ही इजी तरीके से फ्रेंड ये पापड़ बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। डाल दीजिए, आराम से ये पापड़ बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है फ्रेंड। ये देखिए सेट हो गया, और बस हमारा पापड़ ऐसे ही उसमें पानी में रखना है। पानी अभी उबाल आ गया है तो हम चलते हैं उधर। तो फ्रेंड पानी में देखिए अच्छा खासा उबाल आ गया है, पानी उबल रहा है। अब हमको अपना क्या करना है, ये जो प्लेट है इसको लो कर लो, आंच को बिल्कुल लो कर लो, क्योंकि सेफ्टी के साथ फ्रेंड रखना है इसको। इस तरह से आप कर लोगे और ये अपने आप सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये देखिए परफेक्ट फ्रेंड, इस तरह भाप में पानी में पापड़ बनता है। तो थोड़ा सा लो को थोड़ा सा और हाई कर दीजिए, और उसके बाद हमको अपना पापड़ इसको ढक देना है। ये देखिए अब जब तक हम ये पकेगा जब तक हम दूसरी प्लेट में भी इसी तरह डाल लेते हैं। उसके बाद फिर से उसी प्लेट, दूसरी प्लेट में जो तेल मैंने लगाया था उसमें फिर से हमको ये क्या करना है, एक ये पूरा अच्छे से डाल देना है। देखिए थोड़ा सा मैंने निकाल भी लिया जिससे कि हमारे मोटे भी बनेंगे तो भी फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं आती है, और पतले रहने से भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस इसी तरह से हमको अपने पापड़ सारे बना लेने हैं। ये देखिए इसको बस ऐसे ही सेट करके रख देना है ऐसे ही, उसके बाद हम उसको देखने चलते जब तक वो पकेगा, जब तक ये आराम से हमारा अच्छे से हो। तो देखते हैं फ्रेंड अपना पापड़, ये देखिए कितना अच्छे से पक सेट हो गया है। अब हमको इसको फ्लेम को क्या है बिल्कुल लो कर देना है, और इसको हमको अपनी प्लेट को सेफ्टी के साथ फ्रेंड इस तरह से निकाल लेना है। तो इसको हम जब तक ठंडा होने देते हैं, जब तक हम अपनी दूसरी प्लेट इस टाइप उसी उसमें रखते हैं। और ये देखिए सेट हो गई फ्रेंड। तो इसी प्रोसेस से आप बना लेना फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से आपके ये पापड़ बन जाते हैं। जब तक ये पकेंगे, जब तक हम आप थोड़ा सा फ्लेम को लो से थोड़ा सा मीडियम कर देना फ्रेंड, जिससे कि हमारी भाप स्टीम पानी में ऊपर तक आए, तो जिससे कि हमारे पापड़ अच्छे से सेट हो जाए। तो हम अभी इसको थोड़ा सा ठंडक होने देते हैं, उसके बाद ये बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड ये निकल जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना आप बिल्कुल भी। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा अच्छे से ये हो गया। फिर हमको क्या करना है, एक चाकू लेना है और इसके गोलाई में पूरा इसको एक बार ऐसे कर लेना है जिससे कि हमारा पापड़ अच्छे से निकल आए। तो बस इसी तरह से फ्रेंड इसको थोड़ा सा एक साइड से ऐसे पकड़ना है, और ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से फ्रेंड ये पापड़ निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए है ना फ्रेंड, तो इस तरह से हमारा पापड़ देखिए अच्छे से ऊपर नीचे बन गया है। अब हमको इस तरह से की कोई प्लेट लेनी है,
और ऐसे ही एक साइड में फटाफट फटाफट अपने रखते जाना, धूप में इसको बाद में रखना है। तो ऐसी प्रोसेस से हम और बना लेते हैं। इसके बाद इसमें फिर से हम डालेंगे और फिर से इसी प्रोसेस से बना लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने पॉलीथीन में और धूप में अच्छे से डाल दिया है ना। तो अभी हल्की हल्की धूप आई है। ये फ्रेंड 1 कप पापड़ से, 1 कप मैंने उसे 10 पापड़, ये देखिए 10-11 पापड़ बनाए हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आप भी बनाइए। और ये 2 दिन की धूप सूखने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वीडियो तो बहुत अच्छा लगने वाला है फ्रेंड आप लोगों को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये पापड़ बन के रेडी होंगे फ्रेंड, देख लेना अभी। तो फ्रेंड देख सकते हो मैदा के पापड़ बिल्कुल ही अच्छे से बन गए हैं। और आप अच्छे से देख सकते हो कितने ट्रांसपेरेंट पापड़ बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही टेस्टी भी फ्रेंड ये बन के रेडी होते हैं। अभी देखना इतना साइज है, अभी ये फूल के और ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये पापड़ बन के रेडी होते हैं। तो अभी हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी गर्म हो जाए फिर हम दिखाते हैं आपको ये कैसे पापड़ कैसे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो तेल गरम हो गया और हम अपना पापड़ लेते हैं। अभी देखना इतने साइज का पापड़ ये कितना बड़ा पापड़ हो जाएगा फ्रेंड। और बहुत ही अच्छे से ये फूलता भी है। तो बस ये देखिए कितना अच्छे से ये पापड़ बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड। ये देखिए दिख रहा है ना कितना बड़ा पापड़ ये हो गया है फ्रेंड। तो बहुत ही टेस्टी ये पापड़ बन के फ्रेंड बना। जो आप फर्स्ट टाइम भी बनाओगे ना तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं फ्रेंड आपके। बस इतना याद रखना। और ये देखिए इतना छोटा पापड़ और कितना बड़ा पापड़ ये बन के रेडी होता है। अगर आप पापड़ बनाना सीख रहे हो ना तो भी बहुत ही अच्छे से ये पापड़ बन के रेडी हो जाते हैं। और आपको कोई कह नहीं सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम ये पापड़ बनाए हैं। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही टेस्टी और मुझे तो बहुत ही मजा आ रही है इनको पकाने में भी। और बहुत ही टेस्टी ये है। और ये मैदा के पापड़ हैं फ्रेंड, यकीन कोई नहीं कर सकता है कि इस तरह से जैसे मार्केट में मिलते हैं उस टाइप का ये पापड़ बन रहा है। वाओ फ्रेंड देखा कितने, ये 4 पापड़ मैंने सिर्फ भूंजे हैं फ्रेंड और कितने सारे पापड़ है दिख रहे हैं आपको। आपको दिख रहा है बिल्कुल कटोरी जैसा बन गया है। यकीन मानिए फ्रेंड मुझे भी बहुत मजा आ रही है इनको देखने में। और कितने क्रिस्पी है मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये देखिए आपको आवाज से पता चल रहा होगा कि ये कितने ज्यादा क्रिस्पी है फ्रेंड। और बहुत ही टेस्टी भी ये बनते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड।